जाइए क्लोज क्लोज डन Thank you.
चलो ये कितना अच्छा मेरा सेटिंग हिला दिया। उफ मम्मा उफ। नहीं नहीं भाई ये कुछ बनता है, दे दे पकड़ेगी। चलो लवली थैंक यू सो मच। अरे ये जो एक स्मूथली हाँ सवाल जवाब शुरू किया जाए। नाउ की सीमा हो 200 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम देख रहे हैं कितनी खुशी है आप सभी का। अभी जिस तरीके से माहौल था सब एक दूसरे पे इतने एक्साइटेड, प्लीज बताइए व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द ऑडियंस। थैंक यू वही बोलूंगी मैं। बहुत सारा प्यार आप सभी को, ऑडियंस को, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, शो देखते रहिए। और हमारी पूरी मीडिया और हमारे फैंस जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट साइड बिकेम 200 और ये इसका सिंबल है जो ऐसे करता रहता है ना, देश क्या है अब समझ में आया, अब 2000 के लिए होगा। So you guys, ऐसे करते आए थे 2000 के लिए, हम लोग 200 नहीं मान के चलेंगे, 2000 मान के चलेंगे। पता है व्हाट, पता ही नहीं चला। ये दिल मांगे मोर, लेट्स गो टू 2000। कट करो हाँ। और हमें पता ही नहीं चला कि 9 महीने हो गए, 200 एपिसोड हो गए, ऐसे तो अभी अभी तो हमने किया था, आई जस्ट टॉकिंग टू विदी दैट, बट इट इज फन, टच वुड, आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस सेट एंड इट शुड गो ऑन एंड ऑन। जब शूट स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों की जगह पे यहाँ हम लोग खड़े, करेक्ट, मिलापनी वाला माता वाला स्टैंडिंग हियर, राइट, आज हम इस साइड आए। फिर जब भी एक नया शो स्टार्ट होता है हम देखते हैं सभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेज बनते हैं, कोई कोई कैरेक्टर पसंद करता है तो उनको फॉलो करता है, उनके बहुत सारे रील्स एंड ऑल, कितने डीएम्स आप फॉलो करते हो, कितने आपके फैंस के कमेंट्स पे आप करता है? आई रिप्लाई, आई रिपोस्ट ऑल द फैंस एंड ये विधि ने मुझे सिखाया कि कहाँ दिखता है, कहाँ हार्ट आता है, क्या होता है, राम ने सिखाया, सो आई डू इट एंड आई अप्रिशिएट। नहीं ये सवाल हमारे लिए नहीं था, ये सवाल इकबाल सर के लिए था। हाँ इकबाल सर बनाइए इनके पीआर हम लोग, मैं सबसे ज्यादा बताइए इतने पावरफुल दिग्गज लोग हैं हमारे मेरे शो के अंदर जो सोशल मीडिया से सोशल मीडिया पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलो कौन है वो दिग्गज लोग? ये दोनों यहाँ या फिर आप लोग जो भी एडिट्स बनाते हो जहाँ पे हम मेंशन करते हो, हम लोग अगर मतलब ऑनेस्टली आपके जितने भी मैसेजेस हैं हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, कि मिस आउट तो नहीं हुआ ना कि किसी के लिए अप्रिसिएशन होता है, जैसे मम्मी के लिए है या मम्मी जी के लिए है, किसी के लिए भी कोई अप्रिसिएशन मिस आउट तो नहीं, तो स्क्रीनशॉट करके इन इन बिटवीन शॉट्स का टाइम होता है ना, हम यही करते हैं। कुछ एडिट्स तो इतने अच्छे होते हैं कि वो इंसान सोचता है कि शो में भी उतना अच्छी तरह नहीं दिखाया जितना जैसे पहले हमारा हर देर का रोमांस चल रहा था, है किधर वो? वो हर देर चला गया, नाराज हो गया पापा, बाद में जब से विधि की शादी हुई हर देर हट गया, फिर अब ये इसका प्रिया का हो रहा है। So yeah, we all love you and thank you for so much of love and we read all the messages, but yes, हम सबको personally reply नहीं कर पाते, but we read it. Thank you. आपको क्या देखना है आप हमें बताइए, एंड यू नेवर नो, शायद आप जो देखना चाहते वो एक्चुअली हमें शूट कर रहे हैं, सो आप लोग बताइए आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना है, 1998 का सच, दिव्या का सच, क्या क्या जानना है? एक चीज हम बताते हैं, अंबा कब अपनी साजिशों में पूरी होती है?
अम्मा अपना काम करती नहीं बता सकती, बेचारी अम्मा भी नहीं बता सकती, प्लान फ्लॉप है। बट इसी वजह से जो हम आपको नहीं बताते तभी तो 200 एपिसोड हो गए, और नहीं बताएंगे तो और हो जाएगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा स्टार भारत पे मंडे टू सैटरडे नाइट 8 PM। ये दोनों का रोमांस चल रहा है, अलग लेवल का। आई थिंक उतनी अच्छी केमिस्ट्री तो मेरी और देव सर की भी नहीं है जितनी इन दोनों की है। रोमांस तो मैं वैसे कहीं और भी करना चाहता हूँ। ये अम्बा आती है तो अम्बा पे लाइन मारते, मैं आती तो मैं लाइन मारती। अभी इनकी बीवी को किसी और को ढूंढना पड़ेगा, वो ऑलरेडी ढूंढ रही है, इसलिए चेंज कर लिया। ऐसे लगता है इससे अच्छी इसकी कास्टिंग हो ही नहीं सकती। एंड कुछ कहना चाहेंगे? हम बहुत हम्बल लोग हैं, खास करके मैं। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे सब पोल ही खुल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, और राजनीतिक जब कटाक्ष होते हैं तो इस सीरियल की कहीं ना कहीं बात की जाती है। अभी राहुल गांधी को लेकर भी कई कटाक्ष हुए थे, लगता है ये जो गैप वाला जो रोमांस था और इसको इतना प्यार दिया है लोगों ने, तो जब शुरुआत की तब आपका क्या था रिएक्शन और अब आप कैसे देखते रिएक्शन? किसके साथ? रचना के साथ? किसके साथ? स्टोरी के साथ। इस कॉन्सेप्ट मुझे से तो मुझे तो पहले से ही देखिए हमने हमने शो में ना मेकर्स ने सब ने किसी ने कुछ छुपाया नहीं कि क्या होने वाला है शो का, वो बड़ा क्लियरली पहले से ही हमारा पहला जब ट्रेलर आया था उसमें ही बहुत क्लियरली था कि ये है। तो अगर उसमें ऑडियंस जुड़ती है तो कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ और दिखा रहे थे तो फिर कुछ और दिखाया और बोला कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं दिखनी, ठीक नहीं लग रहा है। ये पहले से ही पता था सबको कि ये ही है स्टोरी, तो ये होने वाला है। तो उसके बावजूद अगर शो को हम वो लाइक करे ऑडियंस तो इसका मतलब कुछ तो ठीक किया होगा। एक एक खाली लोगों को डर था कि दीपशिखा सत्यवती कभी ना कभी नेगेटिव जरूर होगी, लेकिन वो नहीं होगा कि वर्क एक्सपीरियंस की वजह से, अदरवाइज पर्सनली ना बोल 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 सत्यवती नेगेटिव नहीं होने वाली, मैं बोल रही हूँ।